ओम शांति। 5 जुलाई 2022 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अमृत वेले उठ बाप की याद का घृत रोज डालो तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। प्रश्न, कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है बाप का नहीं? उत्तर, बच्चे कहते हैं बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते यह धंधा मेरा नहीं, यह तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो तुम औरों का भी ताला खोल स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ, अर्थात सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताओ। गीत, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। तुम जगे हुए बच्चे बैठे हो, फिर औरों को जगाना है, अज्ञान नींद से जगाना है। तुम जागे हो सो भी नंबरवार, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाती हो। जगाने वाला कहते हैं सजनिया भूल ना जाओ, यह याद का घृत है। मनुष्य मरते हैं तो दीवे में घृत डालते रहते हैं कि दीवा बुझ ना जाए। बाप कहते हैं बच्चे याद करते रहो, यह याद करने के लिए घृत डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे याद करेंगे तो वह याद बहुत समय कायम रहेगी। तुम्हारा दीवा बुझा हुआ है, अब याद से अपना दीवा जगाते हो। तुम्हारा दीवा जगता रहता है, सतयुग से त्रेता तक जगता रहेगा, इसको दीप माला कहते हैं। रुद्र माला और दीप माला बात एक ही है। याद तो शिव बाबा को ही करना है ना, तुम असूल में रुद्र माला के मोती तो हो ना, अर्थात निर्वाण धाम में रहने वाले हो। उसे शिव बाबा का धाम रुद्र धाम भी कह सकते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा के पास हमें जाना है, याद से दीपक जगता जाएगा। यह श्री अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है, गाया हुआ भी है श्रीमत मिली थी तो श्रेष्ठ सत्य धर्म की स्थापना हुई थी। अब तुम्हारा बड़ा झुंड है, नंबरवार जितना जागते हैं उतना जगा सकते हैं। दीवे को जगाने के लिए सवेरे उठना पड़ता है, घृत डालना पड़ता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। बाप को याद करना, यही घृत डालते रहना है। आत्मा पावन होती रहती है, आत्मा पहले पतित थी अर्थात आत्मा की ज्योति बुझी हुई थी। अब बाप को याद करने से ज्योति जगेगी और विकर्म विनाश होते रहेंगे अर्थात पावन बनते रहेंगे। अभी आत्मा पर अज्ञान का परछाया पड़ा हुआ है, बाप ही सबसे बड़ा सर्जन भी है। कोई स्थूल दवा यादें डालने के लिए नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो, इस याद में सब दवाइयां आ जाती हैं। याद से ही तंदुरुस्त बन जाते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। वो योग तो बहुत किस्म किस्म के सिखलाते हैं, उससे बहुत पहलवान भी बनते हैं, मेहनत करते हैं। अभी तुम महावीर बनते हो, पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है, इससे आयु भी बहुत बड़ी हो जाती है। बाप की याद से ताकत मिलती जाती है। बाप समझाते हैं तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। सन्यासी भी 5 विकारों का सन्यास करते हैं, परंतु वह तो बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों का सन्यास करना है। तुम जानते हो इस सन्यास से बहुत भारी प्राप्ति है। उनको तो कुछ भी पता नहीं कि हमें मुक्ति मिलेगी व क्या होगा। पुनर्जन्म में तो उनको आना ही है, तुमको तो इस मृत्युलोक में आना ही नहीं है। तुमको जाना है अमरपुरी में, फर्क हो गया ना। भल सन्यासी लोग कितने भी हठयोग आदि करें, फिर भी उनको मृत्युलोक में रहना ही है।
तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से जाना है अमर लोक में, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। जिस मेहनत से वह डरते हैं, समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे हम योगी नहीं बन सकते। उनको कुछ पता ही नहीं है संन्यास से क्या मिलेगा, कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, वो थोड़ी कहेंगे हम नई दुनिया में जाएंगे, वह तो मुक्ति धाम में जाएंगे, परंतु उनको पता ही नहीं है। तुम तो राजाई में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, इसमें पुरुषार्थ पूरा करना है, आशीर्वाद व कृपा की बात ही नहीं है। ऐसे नहीं कि हमारे पति की बुद्धि का ताला खुले, आशीर्वाद करो, क्या हम सभी का ताला खोल देंगे? तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल जाता है, फिर भी मेहनत तुमको करनी है। बाबा किसका ताला खोलते नहीं है। रामानुसार जिन बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनना है उनको आना ही है। जिनका कल्प पहले ताला खुला होगा उनका ही खुलेगा। हाँ, शुभ चिंतक हो राय दी जाती है, तरस तो पड़ता है ना कि यह भी साहूकार बन जाएं। ताला खुले तो स्वर्ग में चले जाएं, यह भी स्वर्ग के मालिक बन जाएं। यह तुम्हारा धंधा है, उनका है हद का संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। तुम बेहद का राज्य मांगते हो, वह बेहद की मुक्ति मांगते हैं। वह मुक्ति भी ऐसी है जैसे तुम्हारी जीवन मुक्ति है। हमेशा के लिए मुक्ति तो हो नहीं सकती, पुनर्जन्म लेना ही है। बच्चे जानते हैं पहले जब वहाँ से आते हैं तो पुनर्जन्म, फिर भी अच्छा सतो प्रधान मिलता है, फिर रजोतमो में आ जाते हैं। तुम सबसे ऊंच बिरादरी के हो, पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की बिरादरी है, फिर अनेक प्रकार के धर्म के स्तंभ निकलते हैं, वह सब पीछे आने वाले हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें रहनी चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, वह शूद्र हैं। हम शिक्षा पाकर तमो प्रधान से सतो प्रधान हो रहे हैं। कौन बनाते हैं? जो एवर सतो प्रधान है वह कभी रजोतमो में नहीं आते। हमको बना रहे हैं, हरेक को मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत से ऑटोमेटिकली तुमको ही ऊंच पद मिलता है। हरेक अपनी राजधानी को संभालते हो। तुमको मदद देने वाला एक ही बेहद का बाप है, वह सहज युक्ति बताते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग, जिससे दैवी स्वराज्य मिलता है। स्व अर्थार्थ आत्मा को ही राज्य मिलता है। आत्मा कहती है अभी हम बैगरी शरीर में हैं, फिर प्रिंस का शरीर मिलेगा। तुम आत्मा यहाँ बैठी हो, जिसके पास जाना है उसको ही याद करना है। गुरु लोग मंत्र देते रहते हैं, यहाँ बाबा का मंत्र कोई और देने वाला नहीं है। बाप एक ही मंत्र देते हैं, मैं तुम्हारा निराकार बाप हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, पतित पावन गुरु भी हूँ। हूँ तो निराकार, यह भी निश्चय चाहिए। हमारा बाप पतित पावन निराकार ज्ञान का सागर है। राजयोग से हमको महाराजा महारानी बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। 100% संपत्ति वान भव, आयुष्वान भव। देवताओं जितनी आयु कोई की होती नहीं, पुत्रवान भव, तुम्हारा कुल चलता है। तुम जानते हो वहाँ विकार हो नहीं सकता। आत्मा को अपनी नॉलेज है। हम अभी जाकर बच्चा बनेंगे, फिर जवान हो बूढ़े बनेंगे, फिर दूसरा शरीर लेंगे। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज और है, बाप ही समझा सकते हैं। रोज कहते हैं बच्चों जीव की आत्माओं, जीव बिगर सुनाएंगे कैसी। यह याद रखना है, हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा समझा रहे हैं, परंतु यह भी भूल जाता है
अभी तुम प्रैक्टिकल में बैठी हो, यह भी जानते हो जन्म जन्मांतर फालतू कथाएं सुनते आए हैं, कितनी गीताएं पुस्तक सुनते आए हैं। अभी है संगम युग, संगम युग का अर्थ ही है पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। इसलिए इसको ऑस्पिशियस कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। संगम युग को भूलने से अपनी राजधानी को भूल जाते हैं। भल तुम प्रदर्शनी आदि रखते हो, फिर भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। इतना कहते हैं कि यहाँ ईश्वर को पाने की समझानी बहुत अच्छी है, बस यही नहीं समझते कि ईश्वर पढ़ाते हैं। कोई विरले को निश्चय बैठता है जो कहते हैं कि बरोबर ठीक है, हम भी समझते हैं पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। जैसे भीष्म पितामह आदि ने पिछाड़ी में माना है कि परमात्मा इनों को पढ़ाते हैं, पिछाड़ी में यह ज्ञान आएगा। भल प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, परंतु ये किसको भी समझ में नहीं आता कि तुमको निराकार परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। कहते हैं यह बात हमको समझ में नहीं आती, निराकार कैसे पढ़ाएंगे। अच्छा, हम आकर समझेंगे कहकर फिर आएंगे नहीं, ऐसे भी होते हैं। कितना तुम समझाते हो, चलो हम तुमको स्वर की बादशाही दें, तो भी मानते नहीं, सैपलिंग लगती है। पाप समझाते हैं तुमको, भक्तों को समझाना सहज होगा। तुम सर्वव्यापी कहते हो तो पूजते क्यों हो, यह तो जड़ है। तुम तो चैतन्य हो, तुम बड़े हो गए ना, समझाना है। बेहद का बाप तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पतित पावन है, दुनिया पतित है, उनको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। जरूर संगम पर ही आता होगा। अब आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता में अक्षर है, परंतु कृष्ण का नाम लिखने से बुद्धि ठहरती नहीं है। तुम जानते हो ये ज्ञान है बहुत सहज, परंतु विघ्न पड़ते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि सब विघ्न डालेंगे। हम इनको इस तरफ खींचते हैं, वो इस तरफ खींचते हैं, बड़ी जंजीरें हैं। बाप समझाते हैं ये कैसे हो सकता है, शिव बाबा तो ज्ञान का सागर सुख का सागर है, कुछ तो किया होगा ना, स्वर्ग स्थापन करने वाला है। सिर्फ कहता हूँ मेरे को याद करो। कृष्ण तो कह ना सके, समझाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, थकना नहीं है। बहुतों से मेहनत पहुँचती नहीं है, बहाने बहुत लगाते हैं, बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। भल बच्चों को संभालो, भोजन बनाओ, सिर्फ शिव बाबा की याद में रहो। अच्छा, दिन में टाइम नहीं मिलता है, अमृत वेले तो याद करो। कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन, आत्मा कहती है प्रभात में अपने बाप को याद करो। बाबा भी यही कहते हैं, नींद भी टाइम पर करनी चाहिए, पूरा चार्ट रखना है, सवेरे उठ सकते हो। इस पर एक कहावत भी सिंधी में है, सवेरे सोना सवेरे उठना। अभी तुम अकलमंद बनते हो, सारा चक्र बुद्धि में है, तुम्हें कोई भी दुख नहीं मिल सकता। कितना तुम शाहों के शाह बन जाते हो, पैसे की भी कोई तकलीफ नहीं होती और हेल्दी भी बनते हो। ये सब गुण अभी तुम शिव बाबा से पाते हो, बरोबर तुम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनते हो। ये भी तुम जानते हो, होली दीपावली आदि ये सब अभी की बातें हैं जो यादगार में आ जाती हैं। तो सवेरे उठकर बाप को याद करना बड़ा अच्छा है, याद को बढ़ाते रहो। बच्चों ने गीत भी सुना, जागो और जगाओ अज्ञान नींद से। गृहस्थ व्यवहार में रहते किसको बाप का परिचय दो, वह फिर लिखे भी कि बाबा फलाने द्वारा हम आपको जान गए हैं।
अभी तो हम आपके ही होकर रहेंगे, आपसे वर्षा जरूर लेंगे। आपके ही थे, ऐसी चिट्ठी आवे तब सर्विस का सबूत मिले। पत्र देख बाबा खुश होंगे, बाकी सिर्फ क्लास से ही होकर आना ये तो पुरानी चाल हो गई। जैसे और सत्संगों में नियम से जाते हैं, तुमको तो एक एक को अच्छी रीति समझाना है। यह बहुत ऊंची पढ़ाई है, यह ज्ञान सागर से कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है, मेहनत चाहिए समझाने की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलर थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, याद का अभ्यास बढ़ाना है। इस यात्रा में कभी थकना व बहाना नहीं देना है। याद का पूरा पूरा चार्ट रखना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना व खाना है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। इस छीछी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। बाप द्वारा जो मंत्र मिला है वही सबको देना है। जगे हैं तो जगाना भी है। वरदान, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। विस्तार, हर कर्म में श्रीमत के इशारे प्रमाण चलने वाली आत्मा को ही ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहा जाता है। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने जो श्रीमत भर दी है, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकंड हर कदम उसी प्रमाण एक्यूरेट चलती रहती है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीज़ें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता। चाहे लाइट द्वारा, चाहे वाइब्रेशंस द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। ऐसे ही ऑनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और स्वतः चलते रहते हैं। स्लोगन, जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता है। अच्छा, ओम शांति।